हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम पापूस थ्योरम में एक क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार इसके टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, जो कि इस सीरीज का पार्ट 4 रहेगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन गिवेन है, फाइंड द वॉल्यूम, या फिर कह सकते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ हाफ टोरस। टॉरस को आपको पूरा नहीं लेना, टॉरस को पता होगा कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल ऐसा कुछ शेप रहता है, उसको रोटेशन जब कराते हैं पूरा ऐसा कुछ घूमता बनता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ट्यूब की तरह का होता है, इसको टॉरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉरस जो बनता है इसका हाफ लेना है। तो हाफ पार्ट मैंने इसमें देखो ये आपको फिगर दे रखा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। ठीक है, इस टॉरस का आपको सरफेस एरिया प्लस वॉल्यूम बताना है। अब देखो यहाँ पे आपको इसका रेडियस दिख रहा है, आपको यहाँ से कुछ चीज़ें आपको देखने से क्लियर हो रही है। फर्स्ट पार्ट अगर ये देखो, द जनरेटिंग कर्व इज ए सर्कल। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूँ, द जनरेटिंग कर्व इज ए क्या है, द जनरेटिंग इज ए सर्कल। क्योंकि अगर आप इसका एक पार्ट निकाल के अगर स्लाइस काट के निकालोगे ना, तो ये आपको सर्कल दिख रहा है, जो कि ये पार्ट आपको दिख रहा है। ये आप अगर ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से से आपको देख के पता लग रहा है कि डेट इज ए सर्कल, जिसका रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इतनी चीजें समझ में आ रही है, 1 मीटर है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट की अगर बात करें, सेकंड इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन है, इसमें एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, एक्स एक्सिस है। ये सेकेंड पार्ट हुआ। और इसका थर्ड पार्ट की अगर बात करें, मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट भी इसमें सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ। आपको इसी तरीके से जो चीजों को एनालिसिस करना होता है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड इज, द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस एग्जैक्टली, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। मैं ऑलवेज सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 4 मीटर गिवन। देखो ये देखो दे रखा है, ये सेंट्रोइड पॉइंट है। इस वाले पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस देखा जाए, तो ये 4 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो क्या गिवन है, ये जो चीज दे रखी है, 4 मीटर। तो मैंने इसको लिख दी। इसका 4 पॉइंट देखा जाए, इसमें आप क्या एनालिसिस कर सकते हो, 4 पॉइंट में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा। 4 पॉइंट में अगर देखा जाए, तो ये जो लेंथ ऑफ कर्व इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई। अगर मैं बिल्कुल सारी चीज को अलग अलग से एनालिसिस कर दे रहा हूँ, बाद में जब कंबाइन करूंगा तो सारी चीजें आपको एक साथ कंबाइन करके लिख दूंगा। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, जो क्लोज सरफेस आपको दिख रहा है क्या है, वो सर्कल है। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हो, क्लोज सरफेस, क्लोज ऑब्जेक्ट का जो सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर होता है। आर की वैल्यू हमें 1 पता, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। वट एवर मीटर है, तो इसको 2 पाई मीटर कह सकते हो आप, 2 पाई मीटर। ये बात पता है, इतनी चीजें पता है, तो बात हमको 4 चीजें पता होगी। पांचवी चीज में आप क्या एनालिसिस करोगे, इसमें पांचवी पार्ट में एनालिसिस करते वक्त हम क्या लगाएंगे, अप्लाइज पापूस जो थ्योरम है उसको अप्लाई करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अगर पापूस थ्योरम का यूज किया जाए और एरिया फाइंड आउट किया जाए, आपको दो चीजें एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड आउट करना, तो पापूस थ्योरम की हेल्प से हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया इक्वल्स टू व्हाट, एरिया इक्वल्स टू होता है पाई ईटा एल। एरिया इक्वल्स टू व्हाट, क्योंकि पूरे फुल के लिए नहीं ले रहे हो, हाफ हाफ के लिए ले रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई ईटा एल। एल क्या है, एल आपका सर्कमफेरेंस है। पाई की वैल्यू एज इट इज रखो, पाई ईटा की वैल्यू क्या गिवन है, 4, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू अगर मैंने आपको अगर ऊपर की तरह का सॉल्व करोगे तो 2 पाई लिख लो, है ना। आर की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक्चुअल में ये होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो 4 टू 8 पाई स्क्वायर, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो लमसम में इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी करीबन 80 के आसपास आएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.9 होती है, 3.14 होती है। 3.14 का जो स्क्वायर करोगे, 9 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और 9 का अगर आप 8 टाइम्स करोगे, 9 से ज्यादा आने का मतलब लमसम में 10 के आसपास होगा। इसका जब स्क्वायर करोगे तो एक तकरीबन तकरीबन 79 टू 78 के आसपास इसका आंसर आएगा। मैं इसको इतना मीटर स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल अप्रोक्सीमेट डेटा लिख रहा हूँ, ये 79 की जगह 80 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 80 तो नहीं होगा,
सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन हो सकता है, मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूँ। तो ये इसको करने का तरीका है, ठीक है। और अगर इसकी वॉल्यूम की बात किया जाए, अगर इसकी वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम जो इसका होता है पाई ईटा, ये हाफ सर्कल का है तो ये हो जाएगा पाई ईटा ए, और ये हो जाएगा आपका जो सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू वन है तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और ईटा की पोजीशन दे रखी है क्या फोर, तो फोर टाइम्स कर लो, पाई की पोजीशन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको एज इट इज लिखोगे तो क्या हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर, चाहे इसको फोर पाई स्क्वायर लिखो चाहे इसको पाई की वैल्यू 3.14 का अगर टू टाइम्स करोगे तो नाइन से ज्यादा थोड़ा आएगा। ये तकरीबन तकरीबन मैं बता दूंगा आपको ये 40 के लमसम में इसका आंसर आएगा, क्योंकि देखो 3.14 होता है, 3.14 का जब स्क्वायर करोगे आप नाइन से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, नाइन से थोड़ा सा ज्यादा अगर फोर टाइम्स करोगे तो ये 40 के लमसम में इसका आंसर आएगा, 39 भी इसका आंसर हो सकता है, 39 टू 14 के बीच में इसका आंसर होगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट लिखने का, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में मैंने एरिया वॉल्यूम फाइंड आउट करना सिखाया है, और क्योंकि हाफ टॉरस के लिए था तो अपने हाफ के हिसाब से लगा दिया सारी चीज़ों किया है। सो आई थिंक इस वाले क्वेश्चन से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ी सी बेसिक ही पता रहनी चाहिए कि एक्चुअल में इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं आप कर लोगे, अगर टॉरस को ड्रॉ करना अगर आपको आता है तो सारी चीज़ आसानी से कर लोगे। एक्चुअल में आपने लोगों ने ट्यूब देखा होगा, ट्यूब में जब आप हवा भरते हो ना ये कुछ ऐसा ही एक शेप बनता है जो चारों तरफ से ऐसा कुछ लगता है, डेट इज टॉरस, है ना, ये शेप है कुछ ऐसा कि ट्यूब देखा होगा आपने हवा भरने के बाद, इसको टॉरस बोलते हैं। आपको ये सब चीज़ें पता रहेंगी तब क्वेश्चन की एनालिसिस आप अच्छे से कर सकेंगे, अदरवाइज चीज़ों को करने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी अगर आपको फिगर या फिर इसको रिप्रेजेंट करने में, प्लॉटिंग करने में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इसको समझ फिगर की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसका जो बेसिक पार्ट जो क्लोज कर्व एक पार्ट अगर हम निकालेंगे स्लाइस करके निकलता है तो ये सर्कल होगा, सर्कल का एरिया और सर्कल को रोटेशन से जो वॉल्यूम क्या बनेगा सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अगर ये पता है तो क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के साथ ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई और क्वारी